भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो अगले साल चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर थोड़ा अलग होगा। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन थे, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में सिर्फ 4 ही इंजन होंगे। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिट के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। विक्रम लैंडर के चारों कोनों पर एक इंजन था, जबकि एक बड़ा इंजन बीच में था। लेकिन इस बार जो चंद्रयान 3 के साथ लैंडर जाएगा, उसमें से बीच वाला इंजन हटा दिया गया है। इससे फायदा यह होगा कि लैंडर का भार कम होगा। आपको बता दें कि लैंडिंग के समय चंद्रयान 2 को धूल से बचाने के लिए 5वां इंजन लगाया गया था, ताकि उससे प्रेशर से धूल कण हट जाए। इस बार इसरो इस बात को लेकर पुख्ता है कि धूल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसरो इसलिए 5वां इंजन हटा रहा है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। इससे लैंडर का वजन और कीमत बढ़ती है। इसरो के साइंटिस्ट ने लैंडर के पैरों में भी बदलाव करने की सिफारिश की है। अब देखना यह है कि वो किस तरह के बदलाव होंगे। इसके अलावा लैंडर में लैंडर डोपलर वेलोसीमीटर भी लगाया गया है, ताकि लैंडिंग के समय लैंडर की गति की सटीक जानकारी मिले और चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर जैसी घटना न हो। आपको बता दें कि चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतरकर काम कर सके, इसलिए बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेर के पास उलार्थी कवालों में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे। इसरो के सूत्रों ने बताया कि छल्लाकेर इलाके में चांद के गड्ढे बनाने के लिए हमने टेंडर जारी किया है। हमें उम्मीद है कि सितंबर के शुरुआत तक हमें वो कंपनी मिल जाएगी जो ये काम पूरा करेगी। इन गड्ढों को बनाने में 24.2 लाख रुपए की लागत आएगी। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।